थोड़ी सी गलती आपने की, दो दिन आपने क्लास अटेंड नहीं की, हो गया बैकलॉग ढेर सारा, आधे घंटे का बैकलॉग पकड़ लिया आप, तीन दिन नहीं की 12 घंटे का बैकलॉग, उसके बाद उसको कवर कर रहे थे, बीच में फिर एक दिन काम चोरी कर दी, 16 घंटे का बैकलॉग, एक क्लास का बैकलॉग होने नहीं दूंगा तुम्हारा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं करोगे, जब तक आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन संभव नहीं है बेटा, है ना। फिर बोलोगे 2-3 महीने में कुछ ऐसा पढ़ा दो कि हम सेलेक्ट हो जाएं, तो आपको ही पता है कि उस वक्त आप सेलेक्ट नहीं होगे। समय ये है, यही सत्य है, और ये बीतता जा रहा है। आमतौर पर क्या होता है ना कि ये समय निकल जाता है, समय है अपने जीवन से सब कुछ त्याग करने का, आपका सारे ऐशो आराम, सारी सुख सुविधा का आप त्याग करके अपनी IIT की परीक्षा के लिए पूरी लगन से संघर्ष करो, सच्चे दिल से संघर्ष करो। ये सब हम कर देंगे बेटा, है ना। 3.0 आया, हमने 3.0 का सब्सक्रिप्शन भी आपको करा दिया, आपको भरोसा है कि आप यहाँ से भी काम चोरी करते रहोगे, और जब अंत के 3 महीने आएंगे तभी आप पढ़ना शुरू करोगे। ऐसा क्यों? हमने ये देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जितनी सुविधाएं मिल जाए उनके लिए हमेशा कम पड़ती है, और यहाँ बहुत से ऐसे वीर बच्चे पहुंचते हैं मेरे पास जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं होती, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने ना जीवन में, अभी जो बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर क्रैश कोर्स का एक्सेस दे दीजिए, क्यों? फिर सेलेक्ट नहीं होगे तो अगली बार क्या बहाना बनाओगे, माता पिता के सामने क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ? ये बात दिल से बोल पाओगे आप? बोल पाओगे आप दिल से सच में आपने बहुत मेहनत की? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, किससे छुपी है सच्चाई? मेरे साथ तो सच बोल सकते हो ना। रक्तबीज ऐसा दानव था ना भाई जिसको वरदान मिल, रक्तबीज ऐसा दानव था जिसको वरदान मिला था कि अगर इसके शरीर पे कहीं मारोगे और खून का एक कतरा भी जमीन पे गिरा तो वो एक नया बीज बन जाएगा। रक्तबीज, एक कतरा भी खून का उसका जमीन पे गिरा तो एक बीज बन जाएगा, और वहां से एक और दानव पे मर नहीं सकता। कहीं से भी काटोगे मारोगे, उसका जो खून निकला, आपने ऐसे मारा, ऐसे तलवार से मारा, यहाँ से खून निकला, पट 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 बूंद गिरी, भाई साहब 50 बूंदें गिरी, 50 नए दानव उत्पन्न हो गए। ये है, थोड़ी सी गलती आपने की, 2 दिन आपने क्लास अटेंड नहीं की, हो गया बैकलॉग ढेर सारा, 8 घंटे का बैकलॉग पकड़ लिया आप, 3 दिन नहीं की 12 घंटे का बैकलॉग, उसके बाद उसको कवर कर रहे थे, बीच में फिर एक दिन काम चोरी कर दी, 16 घंटे का बैकलॉग। रक्तबीज की तरह मल्टीप्लाई होता जाता है बैकलॉग। रक्तबीज का सलूशन क्या था? रक्तबीज का सलूशन थी दुर्गा माता, काली माता की। शायद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इसका जितना खून गिरेगा मैं सब पी जाऊं, इसका खून जमीन पे गिरने नहीं दूंगी, एक कतरा इसका जमीन पे गिरने नहीं दूंगी, मैं एक क्लास का बैकलॉग होने नहीं दूंगा तुम्हारा। ये एटीट्यूड, जैसे ही गिरा जमीन पे बैकलॉग का पेड़ बन गया, एक और दाना उड़ गया, एक क्लास छूटी, मैटर यही किया था काली माता ने इसका सोल्यूशन। काली माता की जय, ऑफकोर्स जय भाई, यही किया उन्होंने सोल्यूशन। काली माता ने क्या कहा कि इस राक्षस का मैं मारते ही सारा खून पी जाऊंगी, एक भी इसका खून का बूंद जमीन पे नहीं जान दूंगी। इस तरह से तुम्हारा भी एक भी लेक्चर छूटा नहीं चाहिए बेटा, और जैसे ही छूटा तुरंत उसको पी लो, उस लेक्चर को तुरंत करना है उसको। जैसे ही आपने प्रोकास्टिनेशन किया कि इसको मैं कर लूंगा, तब तक यार 100 दानव और बन जाएंगे, 100 बैकलॉग और क्रिएट हो जाएगी, नए लेक्चर आगे आने वाले हैं, उनका प्रेशर अलग बन जाएगा, पुरानी चीजें छूटती जाए। इंटरनेट पे आपको 100, 200, 500, 1000 वीडियो मिलेंगे बैकलॉग कैसे कवर करे वाले टाइटल के, पर आंसर सिर्फ एक है, और वो आंसर है काम चोरी ना करना। देखो यार, कोई अगर हम रेस दौड़ रहे हैं और रेस 400 मीटर की है, तो रेस में आप तभी जीतोगे जब आप 400 मीटर दौड़ोगे, सिवाय अगर आपने इंटरनेट पर कोई शायरी वगैरह इतनी ना देख ली हो, कोई फालतू की चीज ना देख ली हो कि 400 मीटर की रेस को हम छोटा भी कर सकते हैं। भाई 400 मीटर की रेस है तो 400 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, हर दिन आप लिमिटेड ही दौड़ सकते हैं, एक लिमिटेड डिस्टेंस है जो हर दिन दौड़। जिस दिन आप वो डिस्टेंस नहीं दौड़ते हो, वो यार जुड़। अब आप उसका सोल्यूशन कहते हो कि यार हमें कुछ समरी लेक्चर दे दो यार, तो अंत में तो वो 400 मीटर की ही कहानी है ना यार। आप रोज मान लेते हैं 20-20 मीटर दौड़ने, आप जब 20 मीटर नहीं दौड़ते हो, आप 3 दिन नहीं दौड़े, 60 मीटर हो गया। अब आप कह रहे हो सर इसका कुछ सोल्यूशन बता दो, लॉजिकली सोचो, एक बंदे को 400 मीटर दौड़ना है रोज 20 मीटर, 3 दिन नहीं दौड़ा, 60 मीटर रह गया, क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन? 60 मीटर रह गए, वहां मंजिल तक पहुंचना, क्या सोल्यूशन है? दौड़ना पड़ेगा भाई साहब वो 60 मीटर। अब उसको रोज 20 की जगह, बहुत सिंपल मैथ्स है, इतनी नहीं आती तुमको, 6 की तैयारी कर, 40 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और क्या मैथ लगानी पड़ेगी, 30 मीटर दौड़ना पड़ेगा, बचे हुए दिन में इन डिस्टेंस को ऐड करना होगा, फिर उसको डिवाइड करना होगा, दौड़ना होगा, और कुछ नहीं है। तुम सोच रहे हो नहीं, 60 मीटर का कुछ ऐसा हो जाए कि 10 मीटर में काम बन जाए, मैं कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठ जाऊं, नहीं है, मैं समरी देख लूं, मैं रिवीजन लेक्चर देख लूं, कम क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, थोड़ा सा कम प्रैक्टिस कर लूं, तो थोड़े से कम नंबर भी ले लेना बेटा। इतनी महान इंसान ने बड़ी सही लाइन बोली है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। अरे अरे चलिए ना, अरे रुकिए ना, क्या हो गया, बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, अरे कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए, साइड में लाइए, अरे आइए दीदी हमारी दुकान से, पहले कुछ आके जाइए, और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है, आपके मालिक आप सिर्फ खुद हो,